नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज जो है वो बता दें आपको, शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो अधिगम जो योजना के तहत, ये अधिगम योजना के तहत जो है वो बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। और ये स्कीम जो है ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो विभिन्न विभिन्न सरकारी स्कूलों के अंदर की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है वो बाकायदा ये टैबलेट दिए जा रहे हैं। खुद यहाँ पे विधायक जो है उतगांव से राजेश नागर, शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी, ADC, SDM और तमाम लोग जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि छात्र जो हैं, ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर हैं। अभी समय हम फरीदाबाद के ही सेक्टर 3 सरकारी स्कूल के अंदर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कि बच्चों को जो है मुफ्त में जो है वो टैबलेट दिए जा रहे हैं। और टैबलेट इन बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। लोग घरों से जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको लेकर के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और ये देख सकते हैं आप, ये तमाम बच्चों को शिक्षा को बेहतर करने के लिए जो है वो ये टैबलेट दिए गए हैं। अब इन बच्चों से हम जरा ना, आप देख सकते हैं कि फिलहाल क्योंकि शिक्षा को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना जो बच्चों को जो है वो कोरोना काल के अंदर करना पड़ा था। घर पे लैपटॉप की नहीं था, किसी के घर पे मोबाइल नहीं था, सरकारी स्कूलों के जो जितने भी बच्चे थे उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल अब जो है ये इनकी शिक्षा को और बेहतर करने के लिए, आधुनिक शिक्षा का जो देने के लिए इनको है, वो अब ये टैबलेट वितरित किए गए हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो है वो डाटा कार्ड यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी भी जो है वो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ही दी जाएगी। और इसी तरीके की जो मुहिम है, आपको बता दें कि आज लगभग 5 लाख लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। देखिए आप, रोहतक में जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो बच्चों को टैबलेट वितरित कर रहे हैं। और इन बच्चों से हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। बेटा 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 बेटा, क्या नाम है आपका? नारायण झा। क्या मिलेगा आपको टैबलेट? कितना फायदा साबित होगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी, नई चीज सीखने को मिलेगी। विधायक जी, विधायक जी, आज बच्चों को टैबलेट दिए, कितना फायदा होगा? देखो, अभी जो कोरोना काल में जो समय हमारे भारत में आया, उसमें जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी या वो पढ़ाई चली, उसमें जो हमारे गरीब बच्चों के पास जो टैब या कोई और सुविधा नहीं थी, उनके लिए एक नई योजना हमारी सरकार ने बनाई है, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें तो घर से भी पढ़ सकते हैं। और ये एक ऑर्डनरी टैब नहीं है, इसमें सारे प्रोग्रामिंग और इसमें सारी वो पढ़ाई से रिलेटेड सारे वो तो क्या नाम है एप्स वगैरह सब कुछ है, और इसको अपग्रेड करके दिया गया है। और बच्चों के लिए जो आने वाले टाइम में, जैसे डिजिटल इंडिया हमारा एक प्रधानमंत्री जी का वो योजना है, उसके तहत इसको दिया गया है। कहीं ना कहीं देखिए विधायकगण हैं, और ये देख सकते हैं आप कि लगातार इंटरनेट की जो है वो इसके अंदर फैसिलिटी है। और कहीं ना कहीं बच्चों ने जिस तरीके से बताया कि बच्चों की शिक्षा का स्तर जो है वो इससे सुधरेगा। और ये देखिए तमाम वो बच्चे हैं, इन सभी को जो है वो टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इनके जो उज्ज्वल भविष्य के लिए एक ये योजना है, जिससे को लेकर के लगातार जिस तरीके से कयास लगा रहे थे कि क्योंकि इन स्कूलों के अंदर जो है वो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों के लिए इतने सामर्थ्य नहीं होता उनके अंदर कि वो इतनी महंगी चीज़ें खरीद सके, लेकिन ये हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की पहल जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में शिक्षा के जगत में बदलाव जरूर लेके आएगी।